आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। चैनल को आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करिए। बीएड इन पीआरटी, आप सभी लोगों के सपने जल्द ही साकार होने चल रहे हैं। मौखिक तौर पे जीत मिलनी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि अब इसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व हो चुकी है। आपने 69,000 का एक मामला देखा होगा जो कि इलाहाबाद की डिवीजन बेंच अर्थात लखनऊ में यह केस लगा हुआ था जिसे कोर्ट ने खारिज किया था और 69,000 में बीएड डिग्री धारकों को मान्य कर दिया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से हम सभी लोगों को प्राथमिक जीत मिल ही चुकी है और इसकी विस्तृत व्याख्या वो एनसीटीई और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट मैं आप सभी लोगों को बता दूं 27 तारीख को कल की तारीख में जमा हो गई। ठीक है ना, उन्होंने पूरा विस्तृत लेखा जोखा कि हम बीएड डिग्री धारक पूरे देश में कितने हैं, किन किन राज्यों में कितने हैं और हमें आवश्यकता कितनी है, डीलर्ड ओपीटीसी के विद्यार्थी कितने हैं, हमने क्यों बीएड डिग्री धारकों को मान्य कर रखा है और ये परमानेंटली नहीं है क्योंकि इनको परमानेंट हमेशा के लिए नहीं सम्मिलित किया जाएगा बल्कि कुछ समय के लिए रखा गया है। बाद में राज्य सरकारें अगर डीलर्ड ओबीटीसी के विद्यार्थियों की संख्या को पर्याप्त देखते हुए अगर इनको बाहर करती हैं तो उसमें किसी प्रकार का एनसीटी या केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को मैं बता दूं सर्वोच्च न्यायालय से आप सभी लोगों को रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है ना, जो तर्क जो तथ्य तैयार किए गए हैं एमएसआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से वो आप सभी लोगों के फेवर में है, तो आप लोग चिंतित ना हो। आप लोगों का जो विद्यार्थी भाई बेचारे बाहर हो जाते हैं, कभी केबीएस से बाहर हो रहे हैं, कहीं बीपीएससी से बाहर हो रहे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बाहर कर दे रही, कहीं मध्य प्रदेश बाहर कर दे रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों की जो मानसिक त्राणा होती है उससे थोड़ा सा उनको हट करके जो है लाभ प्राप्त हो सकेगा। आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने हमेशा ही सुखद प्रयास किए हैं ताकि आप लोगों को सुखद परिणाम प्राप्त हो सके और उसी उम्मीदों में हम सभी लोग आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। और बीएड एनपीआरटी का जो मुहिम था वो विद्यार्थी तो भले ही थोड़े से सुन्न पड़ गए थे, है ना, कि भाई अब कुछ नहीं होना है, जो कुछ भी होना है अब क्या होना है ना, ऐसी चीजें मैं अक्सर बीएड विद्यार्थियों के मुख से सुनता था। लेकिन आप सभी लोगों के लिए सदैव ही हम लोग प्रयासरत रहे हैं और सदैव ही हम लोगों ने कोशिश की है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों तक ईमेल करने हो या उनको मिलकर के ज्ञापन देना हो, आप सभी लोगों की ताकत का उन्हें एहसास कराना हो कि हम लोगों की भी संख्या पर्याप्त है और लोकसभा चुनाव तो अब सर पे आ ही गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को लाभ की स्थितियां उत्पन्न कराने के लिए हम लोगों ने पूरी एड़ी चोटी का जो लगाया और उसका लाभ, उसकी स्थिति यह है कि आज आप सभी लोगों के साथ केंद्र सरकार कोर्ट में खड़ी है। ठीक है ना, इसका लाभ आप सभी लोगों को यह प्राप्त हुआ, याचिका हम ही सभी लोगों की थी। ठीक है, केंद्र सरकार या एमएचआरडी ने कोई याचिका नहीं डाली थी। ठीक है ना, लेकिन हम सभी लोगों की याचिका से स्वयं ने केंद्र सरकार ने अपने आप को इंक्लूड किया क्योंकि हम लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया था। आप हमारी पुरानी वीडियोज को देख सकते हैं, हम लोगों की कोशिशें यही थी कि एमएचआरडी हम लोगों के केस की पैरवी करे और जाहिर सी बात है कि अगर वो अटॉर्नी जनरल को भेजती है तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और ये कोशिश हम सभी लोगों ने लगभग एक महीने तक लगातार चलाई है। इस संबंध में हम लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री से वार्ता भी की थी, उनको मिलकर के ज्ञापन भी दिया था। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रयास हमेशा ही सफल होते हैं, समय जरूर लगता है लेकिन सफल अवश्य होते हैं, तो आप सभी लोगों को उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी अपना जो परीक्षा शेड्यूल तय किया है, बहुत से विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छे प्रश्न होता है कि पहले पीसीएस होगी पहले आरओ या आरओ होगा। ठीक है ना, बहुत से विद्यार्थी इस बात को पूछते रहते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं पहले आप सभी लोगों का आरओ या आरओ होगा। क्यों? क्योंकि ये विवादित परीक्षा है। ठीक है ना, तो आरओ या आरओ को पहले निपटाया जाए, ऐसी चीजें सामने आती रहती है। लेकिन जो इनका परीक्षा शेड्यूल है उसमें इन सारी चीजों को लेकर के गहमागहमी है। भाई जुलाई में तो ये कन्फर्म है कि पीछे 2024 कराएंगे प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, लेकिन आरओ एआरओ तो उससे पहले हो गई थी, है, और रद्द भी हो गया।
बहुत से लोग अभी ये कह रहे हैं कि अभी तो लोक सेवा आयोग ने नोटिस तक नहीं जारी की है कि पेपर रद्द हो गया है, तो उनके नोटिस जारी करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शासन ने जब मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं पेपर निरस्त कर दिया है तो उसके लिए विद्यार्थियों को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि कभी पता लग जाए कि हम लोग रद्द मान करके चल रहे हैं रिजल्ट वही आ जाए, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। ठीक है, और मुख्य परीक्षाएं की सारी जो है खारिज कर दी गई, डिले कर दी गई है, तो आप लोगों को इस बात के को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट वही टपक पड़े, है ना, ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी निश्चित रहे। और आयोग में सबसे बड़ी चुनौतियां यह है कि 6 विज्ञापन इनको जारी करने हैं, ठीक है ना, 6 बड़े विज्ञापन जारी करने हैं जिसमें आप सभी लोगों का LTGRC खंड शिक्षा अधिकारी भी सम्मिलित है। इन 6 विज्ञापनों में तकरीबन अगर तीनों को इंक्लूड करके देखा जाए तो कम से कम 30 लाख से अधिक आवेदन होंगे तीनों विज्ञापनों को मिला करके, ठीक है ना, और 30 लाख विद्यार्थियों को हैंडल करना जाहिर सी बात है आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए आयोग अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, और जो परीक्षा नियंत्रक महोदय नियुक्त हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को हैंडल करना, इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न पत्रों की छपाई और उनको सुचारू ढंग से सेंटर तक पहुंचाना और बिना लीकेज के जो है मतलब सिस्टम को मैनेजमेंट कर लेना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आयोग अपने आप को तैयार कर रहा है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं इसीलिए अभी इनका परीक्षा शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ है। परीक्षा शेड्यूल जारी होने पे आप सभी लोगों को LTGIC खंड शिक्षा अधिकारी ये तीनों एग्जाम आप सभी लोगों को मेंशन उसमें अवश्य ही दिखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में भी वार्ता की है, उनको भी ज्ञापन दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वहां से हम लोगों को सकारात्मक ही चीजें मिल रही हैं। कोशिशें ये थी कि ET ना लागू हो आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में तो ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इनके पास प्रपोजल भेजा गया था आपके लोअर सबॉर्डिनेट को लेकर के, ठीक है ना, मतलब लोक सेवा आयोग के पास लोअर सबॉर्डिनेट को लेकर के एक प्रस्ताव भेजा गया था कि आप लोअर सबॉर्डिनेट करा लीजिए। लोक सेवा आयोग ने सीरियस उसको जो है नकार दिया कि नहीं, हमारे पास इतने खुद ही एग्जाम है, हम लोअर सबॉर्डिनेट नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोगों को तैयार रहना है, ठीक है, और आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि आप लोगों का विज्ञापन डिले होगा, नहीं डिले नहीं होना है। अब ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि TET का जो मामला था वो अभी तक तो शासन ने अप्रूवल नहीं दिया है कि हाँ माध्यमिक लेवल पे हम TET को लागू करें। ठीक है, और चाहे वो आपका TGT PGT हो चाहे LTGIC हो, जब तक उधर से अप्रूवल मिलता नहीं है, क्यों, क्योंकि TET के प्रारूप में तो सम्मिलित किया गया है, उसमें जो प्रस्ताव शिक्षा संरचना आयोग के माध्यम से भेजा गया है उस प्रस्ताव में आप सभी लोगों में बता दूं MTET मतलब माध्यमिक TET आप सभी लोगों की सम्मिलित है, उसके प्रारूप में सम्मिलित है। अभी इस प्रारूप को गवर्नमेंट पहले मंजूरी दे, फिर इसका सिलेबस जारी किया जाएगा कि किस तरीके से इसका पेपर होगा, है ना। सिलेबस जारी होने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी तो मौका चाहिए 1.5-2 महीने का, तभी तो आप एग्जाम करा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोगों को अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर रखना है। अगर ये टाइम बम फूटे आप लोगों के सामने तो आप लोग जो है इसमें हताहत ना हो, बल्कि आप लोग जो है बम स्क्वाड की तरह आराम से निकल जाए, ठीक है ना, तो तैयार हो जाइए इन सभी परिस्थितियों के लिए। हालांकि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में फिलहाल ऐसी परिस्थितियां या ऐसे संकट के बादल नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से विद्यार्थियों को चिंतित होने की आवश्यकता हो कि हम बिना TET का कुछ नहीं कर सकते। आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना अभी फिलहाल नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करिए इनका एग्जाम शेड्यूल का, क्योंकि RO ERO और PCO 2024 इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना नव नियुक्त परीक्षा नियंत्रक महोदय ही करेंगे, है ना, अंगारों पे तो बेचारे चल ही रहे हैं वो, तो बहुत जल्दी ही उनको जो है इन सारी चीज़ों का भान भी हो जाएगा कि हमें किस तरीके से पेपर कराना है और जो ये लीक तंत्र होता है इससे अपने आप को कैसे बचाना है। ठीक, तो आप सभी लोग थोड़ा सा इंतजार अवश्य करिए, क्योंकि इनकी जो एग्जाम शेड्यूल था वो 1-2 दिन में जारी होने वाला था। कुछ चीज़ें थी RO ERO के एग्जाम डेट को लेकर के और आपके पीछे 2024 को लेकर के, खंड शिक्षा अधिकारी LTGIC के एग्जाम डेट को लेकर के कुछ चीज़ों में मतभेद है, कुछ चीज़ों में विवाद है जिसमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा है कि कब इसकी परीक्षा रखी जाए, कितना समय लिया जाए, कितना समय विद्यार्थियों को दिया जाए ताकि वो आराम से प्रिपरेशन कर सके और सिस्टम को भी अपडेट करने के लिए हम लोगों को पर्याप्त समय मिल जाए ताकि किसी प्रकार के लीकेज या किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।
आप सब लोगों को धैर्यता पूर्वक थोड़ा सा इंतजार अवश्य करना है। टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के भाई बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को निश्चित सफलता प्राप्त होगी, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए अवश्य, ठीक है ना। और आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, आपके हितों की रक्षा के लिए आपका भाई मौजूद है। हम सभी लोग हर चीज पे ध्यान देते हैं, चाहे वो शिक्षा निदेशालय हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे आपका जनप्रतिनिधियों तक आपकी समस्याओं को पहुंचाना हो, पदों की संख्या को लेकर के हो, तमाम उन चीजों पर जो हमारे भाई बहनों के हित से जुड़े हुए हैं, उनके प्रतियोगी जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सभी चीजों पर हम लोगों का ध्यान पूरी तरीके से आकर्षित होता है। इसलिए आप सभी लोग तो अपनी चिंता छोड़ दीजिए, जो भी चिंताएं हैं वो हमको करने दीजिए, हम सभी लोग इन सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से आगे ले जाएंगे और आप सभी लोगों को सुखद परिणाम अवश्य ही प्राप्त कराएंगे, निश्चित रहे इसके लिए। अगर कोई विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिका से, तो 97 41 83 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाए, क्योंकि अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत से विद्यार्थियों की फाइल कोर्ट और शिक्षा निदेशालय में जमा हो चुकी है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो विद्यार्थी अभी लेटेस्ट में जुड़े थे उन विद्यार्थियों की फाइलें बन रही हैं, और ये कार्य कंप्लीट होने के बाद फाइनल उनका भी सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद किसी भी विद्यार्थी के लिए हमको जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, 97 41 83 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी शासन को बीडीओ का नया भर्ती, साथ ही साथ लेखपाल की भर्ती और कनिष्ठ सहायकों की एक नई भर्ती के विज्ञापन का प्रस्ताव भेजा है। शासन मंजूरी दे, निर्वाचन आयोग मंजूरी दे, उसके बाद आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे डे बाई डे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसके लिए भी तैयार हो जाइए, साथ ही साथ आप सभी लोगों की बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है। यूपी ट्रिपल एससी वैसा भी सोचता हुआ संस्थान है, लेकिन हम लोग आप सभी लोगों को बता दें कि इन्होंने जो प्रस्ताव भेजा है कि हमें रिजल्ट जारी करना है, इसका अनुमति अगर निर्वाचन आयोग दे या शासन दे तो जाहिर सी बात है आप लोगों की परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूँ, परीक्षा परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा, भले ही चुनावी आचार संहिता है, ठीक है ना। आपको इसमें ज़्यादा झमेला पालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भैया 10 जून के बाद, ऐसा नहीं है, निश्चित रहे इसके लिए, ठीक है। क्योंकि सातों चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोग अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, और सारे जो शैक्षिक अर्हताओं के जो कार्यक्रम थे वो सारे के सारे क्लियर किए जा चुके हैं। और स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय ने जो पत्र भेजा है उसमें अर्हताओं का जितना भी विवाद था वो सारा का सारा जो है वो क्लियर कर दिया गया है। तो अब आपकी जो टीजीटी की अर्हता है सेम वही आपकी एलटी की अर्हता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को जो भी झिकझिक करनी थी, मतलब जो उनको परेशानियां होती थी, उन परेशानियों से वो निकल गए हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिन जिन परिस्थितियों को लेकर के आप लोग चिंतित होते हैं कि हम वैलिड है कि नहीं है, बहुत से विद्यार्थी कहते थे कि थोड़ी सी अर्हता में शिथिलता प्रदान करिए ताकि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी भी थोड़े से एलिजिबल हो सके, तो उसमें भी वो चीज़ें हो गई, नई नई डिग्रियां बीबीएम सीएम सारी चीज़ें सम्मिलित कर दी गई हैं। तो अब ये विद्यार्थी भी जो है वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना, इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये था कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा किचकिच थी, ऐसी परिस्थितियों के लिए विद्यार्थी जो है परेशान थे कि हमारी बीएड की डिग्री तो कूड़ा होगी, हम किसी काम के नहीं रह गए, हमने किया लेकिन हम धोखा पा गए, हमको कुछ नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए हम सभी लोगों ने पूरा जो है आंकड़ा इकट्ठा किया और शासन के सम्मुख उसको ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाया, और इस पे इफेक्ट ये हुआ कि आप सभी लोगों को इन सारी चीज़ों में भी रिलैक्स दे दिया गया। और जो रही बात आपके आयु वर्ग को लेकर के, तो आप देख रहे हैं कि मतलब कहीं तकनीकी समस्याओं की वजह से आयु वर्ग में छूट नहीं मिल पा रही, फिर से उनका परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे आप लोगों को आयु वर्ग की छूट नहीं मिल पा रही है। ऐसी परिस्थितियों के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट ही जो है जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सेंड किए हैं ईमेल के भी माध्यम से, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों की बातें मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाई गई है। आप लोग निश्चित रहिए, कोई भी बड़ा विज्ञापन आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिए बिना नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। चाहे वो आपका एलटी हो, चाहे वो आपका पीसीएस 2025 हो, चाहे वो आपका जीएससी लेक्चरर हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, ये सारे विज्ञापन आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। बहुत सी मिथ फैली हुई, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पीसीएस 2025 के लिए इसमें पदों की संख्या 850 होगी, इसमें पदों की संख्या 1000 होगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भर्ती होने चल रही है पीसीएस 2025, ठीक है ना।
तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित मत होइए, अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हमारे प्रयास आप सभी लोगों के लिए सदैव ही एक मील का पत्थर साबित होते हैं। हमारी सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से कार्य करने के लिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से हम लोग लगे रहते हैं। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा स्नेह दीजिए, और हमारे नोट्स आदि बुक करने के लिए 97 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।